नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले कुछ दिनों का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करने वाले हैं। मुझे पता है कि इस बार हम बहुत लेट हैं और लगभग आपको एक महीने से करंट अफेयर्स के एक भी वीडियोज़ नहीं मिले हैं, जिसके पीछे का कारण है कि परिस्थितियाँ व्यक्तिगत जीवन में कभी भी सामान्य नहीं होती, उतार चढ़ाव होते रहता है और इस बार परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हुई कि संभलने में थोड़ा सा वक्त लगा, तो इस वजह से लेट हुआ है। और लेट हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि पीछे का जो टॉपिक है आपका वो सब छूट जाएगा, आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। इसीलिए जब लास्ट टाइम हमने एनालिसिस किया था करंट अफेयर्स, तो हमने एनालिसिस किया था 10 फरवरी तक किया, और आज के इस वीडियो में हम 11 फरवरी से लेकर आपका 28 फरवरी तक का, यानी कि पूरे फरवरी का करंट अफेयर्स आपके आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद 2 से 3 दिनों में आपको एक वीडियो और मिलेगा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का ही, जिसमें हम 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक के करंट अफेयर को एनालिसिस कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा वीकली सीरीज चलता है उस वीकली सीरीज को फिर से पकड़ लेंगे। तो इस तरह से आपका जो पीछे का छूटा हुआ टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा और जो हमारा वीकली सीरीज चल रहा है उसे भी हम रेगुलर पकड़ पाएंगे। तो याद रखिएगा, 2 से 3 दिनों के बाद 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक के करंट अफेयर्स को कर लेंगे और उसके बाद हम आगे वीकली सीरीज करते रहेंगे। ठीक उसी तरह से आपका जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है उस सीरीज को भी इसी तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे। क्लियर है? चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए तो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहता है और कमेंट सेक्शन के फर्स्ट कमेंट में भी पिन किया हुआ रहता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने जिन टॉपिक्स को एनालिसिस किया था उसके आधार पे है। इसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में महिला जजों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आम बजट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन आपके नीचे रहा, तो इस क्वेश्चन का भी जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में करना। और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा ये सीरीज आने वाले में जो ACF का पेपर होने वाला है, व्यापम का पेपर होने वाला है और ऐसी सुखबुगाहट है कि इस साल CMO का भी वैकेंसी आ सकता है, तो वहाँ पर बहुत बेनिफिट करेगा आपको ये करंट अफेयर्स। CGPSC के लिए यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो रहता ही है, तो रेगुलर अच्छे से आप करंट अफेयर्स को करते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, पढ़ई तुंहर द्वार को मिला ई गवर्नेंस अवार्ड। पढ़ाई तुंहर द्वार आपको पता है कब शुरू किया गया था? कोरोना काल के दौरान, जिस प्रकार से स्कूली बच्चों की शिक्षा को प्रभावित किया था कोरोना काल, उसी के मद्देनज़र पढ़ई तुंहर द्वार को शुरू किया गया था छत्तीसगढ़ स्कूल विभाग की तरफ से। और पढ़ई तुंहर द्वार से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है CGPSC द्वारा, जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था पढ़ई तुंहर द्वार से। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आने वाले समय में आपसे पढ़ई तुंहर द्वार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित पढ़ई तुंहर द्वार कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इस ई गवर्नेंस अवार्ड को कौन दिया है? कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया लखनऊ में इस अवार्ड को प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के उपस्थिति में। क्लियर है? और यह अवार्ड केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी इनिशिएटिव लाए जाते हैं या जो भी इनोवेशन का काम किया जाता है उसके प्रयासों की पहचान कर इसे प्रदान किया जाता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इस स्कीम को शुरू किया गया था स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा, और पढ़ई तुंहर द्वार कार्यक्रम का जो शुभारंभ हुआ था 7 अप्रैल 2020 को हुआ था। तो कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू किया गया था, इसको शुरू करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, कब शुरू किया गया था, इन बातों को आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप और याद रखिएगा कि वर्तमान समय में इस वेबसाइट पर लगभग 25 लाख यानी कि लगभग 26 लाख के आसपास विद्यार्थी एवं 2.07 लाख शिक्षक जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न गतिविधियां आधारित शिक्षा के गोट नामक मासिक पत्रिका भी रिलीज किया जाता है पढ़ई तुंहर द्वार से संबंधित। तो इस शिक्षा के गोट नामक मासिक पत्रिका के बारे में भी याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा कि 1 से लेकर 10 तक शुरू में
पढ़ई तुहर द्वार के तहत विद्यार्थियों को शामिल किया गया था और उसके बाद 12वीं तक के भी विद्यार्थियों को इसमें स्थान दिया गया था। तो याद रखिएगा, पढ़ई तुहर द्वार क्यों चर्चा में है और पढ़ई तुहर द्वार से संबंधी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो भी आपको याद रखना होगा। क्लियर। चलिए अगला टॉपिक है, आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में 13 नगर निगम थे। दिसंबर 2019 में एक और नया नगर निगम बना, उस नया नगर निगम का नाम था रिसाली, जो कि भिलाई से अलग होकर एक अलग नया नगर निगम बना है। अब रिसाली में इलेक्शन होना है, रिसाली नगर निगम में वहाँ महापौर नियुक्त किया जाना है। तो महापौर कौन से वर्ग का आरक्षित होगा वहाँ का सीट, इससे रिलेटेड हाल ही में अधिसूचना जारी की गई है। तो दुर्ग जिले के अंतर्गत नवगठित नगर निगम रिसाली महापौर पद के निर्वाचन के लिए आरक्षण की कार्रवाई हाल ही में किया गया है और इस नगर निगम में महापौर का जो पद है वो आरक्षित किया गया है अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा कि नया नगर निगम रिसाली को, रिसाली का जो महापौर का पद है वो कौन से वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आरक्षण नियम के अनुसार अदर बैकवर्ड क्लास के लिए छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है, तो 14 नगर निगमों में से 4 पद आरक्षित किया गया है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 14 में से 4। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में जितने भी नगर निगम हैं उन नियमों के अनुसार, नगर निगम नियमों के अनुसार 33% आरक्षण महिलाओं के लिए प्रावधान किया गया है इन नियमों में, यानी कि अगर 14 नगर निगम है तो इसमें कम से कम 4 का जो महापौर है वो महिला होंगी। तो रिसाली का जो है वो अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया, वन डे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिसाली नगर निगम के बारे में आप याद रखिएगा, रिसाली नगर निगम की जो जनसंख्या है 1.5 लाख है, क्षेत्रफल जो है 52 वर्ग किलोमीटर का है और भिलाई से अलग हुआ है, तो भिलाई की भी जनसंख्या याद रखिएगा और इसका भी क्षेत्रफल याद रखिएगा। और इस तरह से याद रखिएगा कि दुर्ग जिले में 4 नगर निगम है और अगर दुर्ग संभाग की बात करें तो दुर्ग संभाग में टोटल 5 नगर निगम हो गए हैं। तो दुर्ग जिले में कितने नगर निगम, 4, कौन कौन सा, एक हो गया आपका भिलाई, दूसरा हो गया रिसाली और इसके अलावा आपका चरौदा और एक दुर्ग। तो इस तरह से यहाँ पर सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वन डे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ कार्यक्रम के बारे में। तो सबसे पहले ये समझिए कि इस प्रोग्राम को किसके द्वारा चलाया जा रहा है और इस प्रोग्राम को चलाए जाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, उसके बाद हम छत्तीसगढ़ के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि केंद्र सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। किसकी मदद से, तो सॉफ्टवेयर कंपनी है इंटेल के साथ में मिलकर इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। इसको चलाए जाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नवाचार के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जा सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके, इस उद्देश्य के साथ में चलाया जा रहा है। तो सरकारी स्कूलों के कक्षा 6वीं से 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अभी जो भी कंटेक्स्ट है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड फेज 2 यानी कि इस प्रोग्राम के फेज 2 से संबंधित है और इसमें से देश के आकांक्षी जिलों से जितने भी छात्रों का चयन किया गया है वो छात्रों की संख्या है 14। हालांकि इसमें बहुत सारे छात्रों का चयन किया गया है लेकिन हमारे देश में 100 से अधिक आपको पता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी कि आकांक्षी जिले हैं और इस आकांक्षी जिले से 14 छात्रों को पूरे देश भर में चयनित किया गया है। इन 14 छात्रों में से 7 छात्र जो हैं वो महासमुंद जिले का एक विकास खंड है जिसका नाम है बागबहारा और यहाँ का एक शासकीय स्कूल है कुलदीप निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नर्रा। यहाँ से 7 छात्रों का चयन किया गया है। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में कितने आकांक्षी जिले हैं, बहुत सिंपल है, छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिले हैं यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नीति आयोग द्वारा चयनित किया जाता है कि कौन सा जिला आकांक्षी जिला होगा, जिसमें से 7 जो भी बस्तर संभाग के जिले हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा महासमुंद, राजनांदगांव और कोरबा, ये आपके छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिले हैं। तो इस 10 आकांक्षी जिले में से जो आपका महासमुंद है वहाँ के 7 छात्रों का चयन किया गया है, जो पूरे देश भर से 14 छात्र से चयनित किया गया है उसमें से 7 सिर्फ एक स्कूल से है। और इसके अलावा 2 और छत्तीसगढ़ से बच्चे चयनित किए गए हैं जिसमें से एक है शासकीय गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर और शासकीय स्कूल बेमित्रा, यानी कि यहाँ से एक एक छात्रों का चयन हुआ है। तो टोटल जो चयन है वो 9, याद रखिएगा ये टोटल चयन 9 हुए हैं। पूरे देश भर में 14 आकांक्षी जिलों से बच्चों को चयनित किया गया है जिसमें 7 महासमुंद के हैं और 2 अलग कैटेगरी वाले हैं, यानी कि आकांक्षी जिले से ये नहीं आते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए
अगला जो हमारा टॉपिक है पीएम किसान सम्मान निधि श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय अवार्ड सम्मानित किया गया है छत्तीसगढ़ के एक जिला को। वो जिले का नाम क्या है? बिलासपुर। तो बिलासपुर को प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि योजना के क्रियान्वयन के देश में सर्वोच्च स्थान हासिल हुआ है। और इस उपलब्धि के लिए जो बिलासपुर जिला को है 24 फरवरी को नई दिल्ली में पुरस्कृत किया गया है, यानी कि सम्मानित किया गया। कौन से कैटेगरी में बिलासपुर को जो है सम्मानित किया गया है? तो बिलासपुर जिला को किसानों के आधार प्रमाणीकरण एवं लाभान्वित करने के मामले में देश में पहले स्थान पर रखा गया है। सबसे पहले आप यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है क्या। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया गया यह योजना कब शुरू किया गया था? आपका 2019 के अंतरिम बजट में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रावधान क्या है? तो प्रावधान है कि किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष उन्हें आर्थिक सहायता दिया जा रहा है, 2,000 रुपये के किस्तों में, 3 किस्तों में दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। और इसके तहत बिलासपुर जिला को बेहतर इम्प्लीमेंट के लिए, प्रमाणीकरण के लिए, लाभान्वित करने के लिए जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह पहली बार नहीं है कि बिलासपुर को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। 2020 में भी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण के क्षेत्र में बिलासपुर को सम्मानित किया जा चुका है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, जल संरक्षण के क्षेत्र में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिलासपुर को और सूरजपुर को सम्मानित किया गया था, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है। क्लियर। चलिए अगला टॉपिक है मैन पार्ट महोत्सव 2021। तो मैन पार्ट महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया और कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए। अंबिकापुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है मैनपाट। मैनपाट को जो है छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। 3 दिवसीय यह महोत्सव होता है, जिसकी शुरुआत 12 फरवरी को हुआ और 3 दिवसीय यानी कि 12, 13 और 14 फरवरी को इसका आयोजन किया गया। शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया। और मैनपाट को, जैसे मैंने आपको बताया, छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और खासकर व्यापम जैसे एग्जामों में बहुत ही बार पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न, तो याद रखिएगा। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ जो है विभिन्न बोली, भाषा और संस्कृति का भी संगम है। राज्य सरकार की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साल 2012 से, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मैनपाट महोत्सव का आयोजन किस वर्ष से किया जा रहा है या इसकी शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। तो 2012 में पहली बार किया गया था और 2012 से प्रत्येक वर्ष जो है मैनपाट महोत्सव का आयोजन किया जाता है और ये मुख्य रूप से फरवरी के महीने में ही इसका आयोजन होता है। अगला ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राजिम माघी पुन्नी मेला। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखोगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है राजिम माघी पुन्नी मेला से संबंधित। तो राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है, इस बात को हम सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो राजिम माघी पुन्नी मेला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध राजिम माघी पुन्नी मेला 27 फरवरी से शुरू हुआ। कब शुरू होता है? आपको पता है माघ पूर्णिमा से राजिम माघी पुन्नी मेला का शुभारंभ होता है और कब तक चलता है? महाशिवरात्रि तक चलता है। तो इस वर्ष महाशिवरात्रि कब मनाया गया? 11 मार्च को इस बार महाशिवरात्रि मनाया गया। तो 27 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक राजिम माघी पुन्नी मेला का आयोजन हुआ और मेले का जो शुभारंभ है छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर चरणदास महंत जी द्वारा किया गया है। और महानदी के तट पर स्थित है आपका राजिम और छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध तीर्थ भी है और इसे छत्तीसगढ़ का त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। और ये 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं? महानदी है, सोंडूर है और पैरी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। और राजिम में प्रसिद्ध राजीव लोचन का मंदिर स्थित है और इस मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा है और ये भी बहुत प्रसिद्ध है। और राजीव लोचन मंदिर से संबंधित भी आपसे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो राजिम माघी पुन्नी मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिए। और जैसे मैंने बताया कि त्रिवेणी संगम है महानदी पैरी और सोंडूर, तो इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अगला टॉपिक ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन जो है रायपुर में किया जा रहा है, यानी कि छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। किस उद्देश्य? तो सड़क सुरक्षा के महत्व के विषय में जन जागरूकता फैलाने के लिए नया रायपुर में स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 5 मार्च से 21 मार्च तक रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान टोटल
15 मैच खेले जाने हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है और रेड रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में इस बार पहले 5 टीमें खेला करती थी, इस बार जो है 6 टीमों ने हिस्सा लिया है। कौन कौन सी टीम? साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, भारत, इंग्लैंड, श्रीलंका और आपका बांग्लादेश। तो 6 देशों का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में कि इस बार कितनी टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल आपका 21 मार्च को है, इसके बाद जो भी अपडेट होगा हम करा देंगे, क्लियर। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आपका भिलाई चरोदा में किया जा रहा है। हमने पहले भी पढ़ा है 2019 में भी पढ़ा है कि भिलाई चरोदा में जो है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है और रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के सहयोग से 50 मेगावाट का जो है यह प्लांट लगाया जा रहा है। 310 करोड़ रुपए लागत है, 210 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण किया जा रहा है और 20% आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन करने जा रहा है भारतीय रेलवे। यानी कि भारतीय रेलवे जितना भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है उसका 20% जो इलेक्ट्रिसिटी होगा वो आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी का होगा, ठीक है। चलिए इतने पॉइंट्स को याद रखिएगा, वनडे एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला, IPL ऑक्शन 2021 हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर भी यानी कि 5 क्रिकेटर शामिल थे, हालांकि उनमें से एक भी क्रिकेटर का चयन जो है IPL में नहीं हुआ है। यानी कि 8 IPL की टीम है उसमें से किसी भी टीम ने इन खिलाड़ियों को खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितने खिलाड़ी ऑक्शन में थे और छत्तीसगढ़ के प्रमुख क्रिकेटरों का नाम भी आपको यहां से पता चल जाएगा। तो 5 क्रिकेटर कौन कौन से हैं? सबसे पहला हरप्रीत सिंह भाटिया जो कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, अमनदीप खरे याद है ना, दोहरा शतक इन्होंने लगाया था, शशांक सिंह, शुभम सिंह और शुभम अग्रवाल, इनका ऑक्शन में नाम था, इनका बेस्ट प्राइस 20 लाख रुपये लगा गया था और इन पाँचों खिलाड़ियों में से जो पहले के 3 खिलाड़ी हैं और इन पाँचों खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ी पहले ही IPL का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन इस बार इन खिलाड़ियों को खरीदने में किसी भी टीम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। तो याद रखिएगा कि पहले IPL में किन खिलाड़ियों को शामिल किया जा चुका है। तो पहला नाम है शशांक सिंह जो कि राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें खरीदा था 2019-20 के लिए। हरप्रीत सिंह भाटिया जो कि अभी वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के कैप्टन भी हैं, इन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स, पुणे वॉरियर्स और RCB में ये रह चुके हैं। शुभम अग्रवाल गुजरात लॉयंस ने इन्हें 2017 में खरीदा था। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, इंडियो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 हाल ही में आयोजित किया गया है। कब से कब तक? तो 9 से 11 फरवरी तक आयोजित किया गया और इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो पोखरा में किया गया है और पोखरा कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। और प्रतियोगिता में भारत की तरफ से टोटल 35 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया जिसमें से छत्तीसगढ़ से 8 खिलाड़ी भी शामिल थे। तो याद रखिएगा इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 से रिलेटेड आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है वनडे एग्जाम के लिए। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे? टोटल 35 खिलाड़ी शामिल हुए थे जिसमें छत्तीसगढ़ के 8 खिलाड़ी थे। और यहां पर कौन कौन से खिलाड़ी को, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से खिलाड़ी को कौन कौन सा अवार्ड मिला? तो यहाँ पर शूटिंग या राइफल में रजत पदक, गोल्ड मेडल और रजत पदक किनको किनको मिला है? तो गोल्ड मेडल आप याद रखिएगा परमिला कुंजाम रायपुर की हैं, शूटिंग या राइफल्स में मिला है। शॉट पुट में 1 गोल्ड मेडल मिला है सतीश मिश्रा को, कांकेर जिला के रहने वाले हैं। और इस तरह से रजत पदक और कौन से पदक किनको किनको मिला है तो इस बात को भी आप इस लिस्ट के मदद से देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर टेबल विजिबल नहीं है तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको कल सुबह अवेलेबल करा दूंगा, तो वहाँ से PDF डाउनलोड करके सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से देख सकते हो, क्लियर है। चलिए अगला जो टॉपिक है, अरपा महोत्सव 2021। अब यहाँ पर आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं और छत्तीसगढ़ का नवगठित जिला कौन सा है? गौरेला पेंड्रा मारवाही। और यह जिला अस्तित्व में कब आया? तो यह जिला अस्तित्व में आया 10 फरवरी 2020 को और पहली वर्षगांठ इस जिले के गठन का मनाया गया और पहला वर्षगांठ अरपा महोत्सव के रूप में मनाया गया। कब से कब तक मनाया गया? 2 दिवसीय यह महोत्सव था, 9 और 10 फरवरी को अरपा महोत्सव का आयोजन किया गया। अरपा नदी के बारे में आप याद रखिएगा, प्राचीन नाम इसका क्या था? किरपा नदी है। उद्गम कहाँ से हुआ है? तो खोंडरी खोंगसराय की पहाड़ी पेंड्रा गौरेला पेंड्रा मारवाही के जिले से ही हुआ है। विसर्जन कहाँ हुआ है यानी कि बेसिन कौन सा है इसका?
कौन से नदी में संगम होता है, तो सिमनाथ नदी में ही होता है। लंबाई कितनी है, तो लगभग 100 किलोमीटर है। सहायक नदी कौन सी है, खारंग नदी है। तट पर बसा क्षेत्र कौन सा है, पेंड्रा रोड है, बिलासपुर है और मानिक चौरा है। नदी परियोजना कौन सी स्थित है अरपा नदी पर, तो अरपा भैंसाझार परियोजना जो कि कोटा बिलासपुर में स्थित है, ये अरपा नदी पर परियोजना है। तो अरपा नदी से रिलेटेड इतने फैक्ट्स को भी आप याद रखिएगा। और अरपा महोत्सव किस अवसर पर मनाया गया, तो गोरेला पेंड्रा मारवाही जिले के गठन के यानी कि पहली वर्षगांठ के अवसर पर अरपा महोत्सव का आयोजन किया गया। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ना, जो आपका 11 फरवरी से लेकर पूरे फरवरी 28 फरवरी तक के थे, वो सभी को कवर करा दिया गया। एक भी टॉपिक को इंपॉर्टेंट छोड़ा नहीं गया है, तो उसका फिक्र आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, हर एक टॉपिक को कवर करा दिया जाएगा। इसके बाद 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक के जो भी करंट अफेयर्स हैं, आपको 2 से 3 दिन में वो एक वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद हम वीकली अपना लगातार करते रहेंगे, उसी तरह से आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी कवर करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।